मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापिस आऊंगा। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूँ मैं। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब पीकर भी मैं जी गया। 6 साल की उम्र में पिता के अपमान का बदला स्कूल छोड़ कर लिया। घर में ही सियासत का कहरा सीखा। चुनावी मैदान में उतरा तो 22 की उम्र में पार्षद चुना गया। 27 की उम्र में मेयर बना। सियासी खेल में इतना माहिर कि 44 की उम्र में राज्य का CM बना। अब 54 की उम्र में राज्य के सियासी चाणक्य को मात दे दी, जिसने सियासत में अपमान को अपनी ताकत और जीत को अपना हथियार बनाया और सभी रुकावटों को एक के बाद एक दरकिनार कर आगे बढ़ता रहा और अब एक बार फिर CM पद की शपथ लेने को तैयार है। ये किस्सा किसी और का नहीं बल्कि महाराष्ट्र BJP के सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस का है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट में देवेंद्र फडणवीस के सियासी सफर के बारे में। नमस्कार, मैं प्रमोद यादव और आप देख रहे हैं जनसत्ता। इंदिरा गांधी से देवेंद्र फडणवीस को क्यों है नफरत? 22 जुलाई 1970 को देवेंद्र फडणवीस का जन्म नागपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता गंगाधर राव फडणवीस जनसंघ के नेता थे। बेटे को अच्छी शिक्षा के लिए उन्होंने शहर के इंदिरा गांधी कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला दिलाया। इस दौरान 25 जून 1975 को देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान कर दिया, जिसके बाद विपक्ष के लगभग सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। इसमें देवेंद्र के पिता भी शामिल थे। इस बात से 6 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस इतना आहत हुए कि उन्होंने स्कूल इंदिरा गांधी कॉन्वेंट छोड़ दिया, क्योंकि उनके पिता को इंदिरा सरकार में जेल जाना पड़ा। उनके इस फैसले से गंगाधर राव को देवेंद्र के अंदर अपना राजनीतिक वारिस दिखने लगा। धीरे धीरे उन्होंने अपने बेटे को राजनीतिक दांव पे सिखाना और RSS के सखाओं में ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस महज 17 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। अब आगे की राजनीतिक सफर फडणवीस को अकेले तय करनी थी। ऐसे में उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की। कैसे हुई चुनावी राजनीति में एंट्री? देवेंद्र फडणवीस ने स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद साल 1992 में नागपुर विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की। इस दौरान वो BJP के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य भी रहे। ये वही समय था जब BJP का राम मंदिर आंदोलन अपने पीक पर था और लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के निर्माण को लेकर रथ यात्रा कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस इस यात्रा में शामिल हुए थे। इस दौरान UP के मुलायम सिंह सरकार कार्यसेवकों को जेल में डाल रही थी ताकि सांप्रदायिक तनाव न हो। जेल जाने कार्यसेवकों में फडणवीस का भी नाम शामिल था। उन्हें बदायूं के जेल में रखा गया था। इसी साल नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव से उन्होंने चुनावी राजनीति में एंट्री की और मात्र 22 साल की उम्र में वो पार्षद चुने गए। 5 साल बाद ही उनकी किस्मत एकदम से पलटी और 1997 में महज 27 की उम्र में नागपुर नगर पालिका के मेयर बने। 2 साल बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए और BJP ने उन्हें नागपुर पश्चिमी से चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद से नागपुर पश्चिमी सीट से लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। राजनीति से इतर फडणवीस ने कपड़ों के ब्रांड के लिए मॉडलिंग का भी काम किया। कहा जाता है कि इसी दौरान उनकी मुलाकात अमृता से हुई, जो पेशे से बैंकर थी और फिर 35 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। तब देवेंद्र दूसरी बार विधायक चुने गए थे। 2013 के बाद पलटी फडणवीस की किस्मत। अब तक देवेंद्र फडणवीस एक विधानसभा तक ही सीमित थे, लेकिन असल में इनकी किस्मत पलटी साल 2013 में। महाराष्ट्र में साल 2009 के विधानसभा के चुनाव में BJP को मात्र 46 विधानसभा सीटें मिली थी। उस समय महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार और बाला साहब ठाकरे का दबदबा हुआ करता था। उस समय BJP शिवसेना एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती थी, लेकिन उनकी स्थिति वही थी जो अभी के दौर में शिवसेना की है। गठबंधन में तो थे लेकिन केवल विचारधारा की वजह से। वो किसी चीज को लेकर बार्गेन
बार्गेन करने की स्थिति में नहीं थे। इस बीच 17 नवंबर 2012 को बाला साहब ठाकरे का निधन हो गया। ये वही समय था जब बीजेपी महाराष्ट्र में पावर टसल की वजह से पूरी तरह खत्म हो रही थी। ऐसे में बीजेपी को कोई ऐसा नेता चाहिए था जो एकनाथ खड़से, नितिन गडकरी और पंकजा मुंडे के खेमे से ना हो। ऐसे में बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस पर अपना दाव लगाया और उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। फडणवीस ने राज्य में बिखरी पड़ी पार्टी और गठबंधन को हिंदुत्व और करप्शन के नाम पर एकजुट किया। साल 2014 में राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया, क्योंकि बीजेपी दशकों पुराने दबदबे वाले नेताओं को खत्म कर चुकी थी और 122 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और फिर देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम की रेस में आया और बीजेपी ने रिवार्ड्स के तौर पर उन्हें राज्य का सीएम बनाया। और साथ में थी शिवसेना। शिवसेना महाराष्ट्र में बीजेपी से छोटी पार्टी बन चुकी थी। इस बात का दुख तो उद्धव ठाकरे को था ही। उद्धव के धोखे को भुला ना सके देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस पहले ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने महाराष्ट्र सीएम के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। इस सरकार में शिवसेना गठबंधन में थी। फिर साल 2019 आया और फडणवीस सरकार का पहला कार्यकाल खत्म हुआ। राज्य में विधानसभा चुनाव के ऐलान हुए। हमेशा की तरह हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और शिवसेना एक साथ चुनावी मैदान में उतरी। इस चुनाव में बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिला, लेकिन 2014 के मुकाबले बीजेपी की सीटों में कमी हुई। बीजेपी 122 से 105 सीटों पर गई और शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली थी। तब तक एनसीपी और शिवसेना में फूट नहीं हुई थी। बीजेपी शिवसेना की तरह ही कांग्रेस एनसीपी ने एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद उद्धव ठाकरे ने सीएम पद की मांग की, जिसकी वजह से बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट गया। लेकिन इसके बावजूद फडणवीस ने एनसीपी को तोड़कर सरकार बनाने की कोशिश की और सुबह 6 बजे जाकर सीएम पद की शपथ ले ली। लेकिन शरद पवार की चाणक्य नीति से हार गए और उन्हें 2 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। और फिर अस्तित्व में आया महाविकास अघाड़ी। इस गठबंधन के तहत शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। इससे फडणवीस इतने आहत थे कि जब विधानसभा का सत्र हुआ तो उन्होंने चेतावनी दे डाली। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। फडणवीस के इस शायरी का उस समय उनके विरोधियों ने खूब मजाक बनाया, लेकिन वो अपने इरादे पर डटे रहे और पर्दे के पीछे से वो अपना काम करते रहे। तारीख 21 जून 2022 महाराष्ट्र का सबसे ताकतवर शख्स यानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वो बेहद परेशान थे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा नेता यानी एकनाथ शिंदे फोन नहीं उठा रहे थे। तब तक महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में बगावत की चर्चाएं तेज हो गई थी। फिर भी उद्धव को लगा वो सरकार बचा लेंगे, क्योंकि उनके साथ महाराष्ट्र का चाणक्य शरद पवार थे। लेकिन देखते ही देखते शिंदे 35 से ज्यादा विधायक कर सूरत पहुंच गए। फिर क्या, गेंद बीजेपी के पाले में आई और उसने गोल कर दिया और उद्धव की सरकार गिर गई। बीजेपी ने शिंदे को सीएम बनाया और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम। कुछ समय शरद पवार की एनसीपी भी तोड़ दी और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया। महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज उद्धव ठाकरे और शरद पवार देखते ही रह गए और दोनों की पार्टी फडणवीस ने तोड़ दी। साल 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में विपक्ष इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा। इस गठबंधन में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद और कांग्रेस महाराष्ट्र में एक साथ लड़ रही थी। इनका सामना महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार से था। इस चुनाव में महायुति की हार हुई। महायुति को मात्र 18 सीटें मिली, जबकि इंडिया गठबंधन को 30 सीटों पर जीत मिली। इस नतीजे के बाद ऐसा लगा जैसे एक बार फिर फडणवीस कमजोर हो गए हैं, लेकिन पार्टी का विश्वास उन पर बना रहा। फडणवीस ने विधानसभा चुनाव की रणनीति नए सिरे से तैयार की और मात्र 5 महीने के अंदर नतीजे पलट दिए। जब महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे आए तो सारे राजनीतिक जानकार देखते ही रह गए। बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर पहली बार 132 सीटों पर जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो वहीं शिवसेना शिंदे को 57 सीटों पर जीत मिली, जबकि एनसीपी अजीत पवार को 41 सीटों पर जीत मिली। ऐसे में महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों में से महायुति ने 230 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है और इस जीत का पूरा श्रेय देवेंद्र फडणवीस को जाता है। इस जीत से फडणवीस ने शरद पवार, उद्धव ठाकरे की सियासत को लगभग खत्म कर दिया है। अब देवेंद्र फडणवीस कमबैक मैन देवेंद्र फडणवीस कहे जा रहे हैं।
तो ये थी देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।